नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है और मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे स्टीरियोटॉक्सिक बॉडी रेडियोथेरेपी SBRT और या फिर SRT इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि रेडियोथेरेपी कितने तरह की होती है। तो रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स कई सारी होती हैं, जैसे कन्वेंशनल इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जिसे हम IMRT बोलते हैं शॉर्ट में, IGRT, SBRT यानी कि स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी या फिर स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। जो रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है कई सारी मशीनों से किया जाता है, उस मशीन के हिसाब से भी जो ट्रीटमेंट होता है उसका तरीका अलग हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि SBRT क्या होती है, तो हम शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी से। कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जो हमारे पास मशीन थी, या अगर हम जब ट्रीट करते हैं तो उसमें काफ़ी जो कन्वेंशनल तरीका होता है उसमें काफ़ी एरिया जो होता है रेडिएशन का, जहाँ पे हमें रेडिएशन देना होता है वो ट्रीट होता है। और IMRT में जो ट्यूमर है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट एरिया है वो बनाया जाता है। जैसा कि हमें सब पता है कि ट्यूमर की शेप कोई स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल नहीं होती, वो बहुत ही इरेगुलर होता है। तो जो IMRT में जो शेप होती है ट्रीटमेंट एरिया की, वो शेप भी उसी तरह से ली जाती है जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में पॉसिबल नहीं होता। और हम बात करते हैं IGRT की, तो IGRT में IMRT ही की जाती है, लेकिन साथ में इमेज गाइडेंस बढ़ जाती है। तो इमेज गाइडेंस के अंदर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर जो मार्जिन है, जो हम एरर के मार्जिन रखते हैं, वो एरिया भी थोड़ा कम हो जाता है। स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी में ये इमेज गाइडेंस रेडियोथेरेपी, IG IMRT ये सब होता ही है। साथ में डोज जो होती है पर ट्रीटमेंट वो बहुत हाई हो जाती है। और अब बात आती है कि डोज पर ट्रीटमेंट हाई क्यों रखी जाती है। क्योंकि SBRT का अगर देखा जाए तो वैसे जो SBRT में ट्रीटमेंट जो होता है वो कन्वेंशनल के हिसाब से कम दिनों में कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट 6 या 7 हफ्ते चल रहा है, तो ये ट्रीटमेंट 5 दिनों में या 1 दिन में, 1, 3 या 5 या 7, 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें डोज जो होती है वो हाई रखी जाती है, जो और ट्रीटमेंट हैं उसके कंपेरिजन में जो डोज पर डे की होती है वो 10 ग्रे, 12 ग्रे, 15 ग्रे इस तरह से रखी जाती है। और जो नॉर्मल फ्रैक्शन होता है उसमें 2 ग्रे या 1, 2 ग्रे या 1.8 ग्रे रखी जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब इतनी हाई डोज देते हैं तो बिल्कुल टारगेटेड ही ट्रीटमेंट ही किया जाता है, और ये अक्सर उन्हीं ट्यूमर्स में की जाती है जो ट्यूमर्स छोटे होते हैं। इसलिए अगर बात आती है SBRT किस में किया जाता है, तो SBRT के लिए आपके एक्सपर्ट डॉक्टर को पता होना चाहिए कि वो किस में करेंगे। ये भी बात आती है कि हम SBRT हाई डोज क्यों देते हैं, तो इसलिए कि ट्यूमर बहुत तरीके के होते हैं। तो कुछ ट्यूमर जो होते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए। मतलब ये ऐसा होता है कि उसमें अगर हम नॉर्मल रेडिएशन देंगे तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करती। मतलब रेडिएशन देने के बाद भी वो ट्यूमर को सेल को इतना डैमेज नहीं कर पाती है कि ट्यूमर सेल हमेशा के लिए किल हो जाए। तो इसलिए एक दूसरा टेक्निक यूज़ हुई है जिसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी कहते हैं। ये अलग मॉडल पे काम करता है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई डोज दिया जाता है जिससे कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो मर जाए। तो ये यूजली उन ट्यूमर्स में यूज़ किया जाता है जो कि जिनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। साइज़ छोटा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोफ्रैक्शनेटेड अगर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसमें इस को यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी लोग बात करते हैं कि जब ये ट्रीटमेंट ही 3 या 5 दिन, इतने कम दिनों का है, तो उतने मतलब इसमें ऐसा क्या खास बात है? तो खास बात ये है कि जब हम इतने कम दिनों में इतनी हाई डोज दे रहे हैं तो डॉक्टर का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसको ये देखना होगा कि ये जो डोज हम दे रहे हैं वो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, जो ऑर्गन हैं उन पे कितनी डोज जा रही है। डिजीज़ के अलावा जो आसपास का एरिया है उसको भी ठीक से ट्रीट करना होता है। तो मोस्टली जो ये SBRT यूज़ होता है, तो अगर ब्रेन के केसेस में ब्रेन मेट्स होते हैं तो उसमें यूज़ होता है। लंग ट्यूमर के केसेस में, लंग कैंसर के केसेस में यूज़ होता है, छोटा होती है डिजीज़ तो है। या फिर लिवर कैंसर जो होता है उसमें यूज़ होता है। स्पाइनल मेट्स जो आ जाते हैं जिनकी संख्या कम होती है, तो स्पाइनल मेट्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जहाँ भी ट्यूमर साइज़ बहुत छोटा होता है, मिलनोमा का केसेस हैं, मिलनोमा में भी SBRT SRT को यूज़ किया जाता है। तो ये जहाँ भी ट्यूमर साइज छोटा होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्लीज़ इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा SBRT के रिगार्डिंग। थैंक यू।